हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टार। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर लैटिट्यूड्स। व्हाट इज़ लैटिट्यूड? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड रन हॉरिजॉन्टली। सबसे पहले हम लैटिट्यूड पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है। तो देखिए, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, देखिए जो ग्लोब होता है ना हमारा अर्थ, है ना, तो वो जो होती है उस पर इमेजिनरी लाइंस बना दी जाती है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो फ्रेंड, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स जो होती है ना, वो हॉरिजॉन्टली रन करती है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक ग्लोब दिया है, लेकिन इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ना, जो हॉरिजॉन्टली रन कर रही है, दीज आर लैटिट्यूड्स। और जो ये लाइंस हैं जो कि वर्टिकली रन कर रही है, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, सो इस ग्लोब में मैंने आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स दोनों दिए, लेकिन आप यहाँ पे पहचान सकते हैं कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं वो हॉरिजॉन्टली जो लाइंस हैं जो ड्रॉ की गई है हॉरिजॉन्टली वो हैं। ठीक है, अब देखिए, लैटिट्यूड इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज। जो लैटिट्यूड होते हैं उन्हें हम डिग्रीज़ में मेजर करते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स को भी हम डिग्रीज़ में मेजर करते हैं। द इक्वेटर इज़ 0 degrees लैटिट्यूड, और 0 degree लैटिट्यूड कौन सा होता है? इक्वेटर। ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है, ये 0 degree लैटिट्यूड है, इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, अर्थ यानी कि ग्लोब के बीचों बीच जो लैटिट्यूड होता है वो होता है 0 degree लैटिट्यूड, जो कि है इक्वेटर। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड लोकेट प्लेसेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो होती है ना, वो नॉर्थ और साउथ के प्लेसेस को जो है वो लोकेट करती है। नॉर्थ और साउथ के जो प्लेसेस होते हैं उनको लोकेट करती हैं ऑफ द इक्वेटर। देखिए, आपके देखिए, मान ली सबसे बीच का जो लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर होता है। सो इक्वेटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, सॉरी, तो हम लोकेट कर सकते हैं कौन से प्लेसेस नॉर्थ में हैं, कौन से प्लेसेस साउथ में हैं। सो नॉर्थ और साउथ के दोनों प्लेसेस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो है ना, वो हमें हेल्प करती है प्लेसेस को लोकेट करने में, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ में लोकेट करने में हेल्प करती है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, चलिए, द नॉर्थ पोल इज़ 90 degrees एन लैटिट्यूड। नॉर्थ पोल जो है वो 90 degree एन होता है। देखिए, ये जो ग्लोब है इसमें ये है 90 degree एन, 90 degree एस। इसका मतलब है 90 degree एन मीन्स 90 degree नॉर्थ। नॉर्थ पोल होता है सबसे ऊपर, सबसे नीचे साउथ पोल होता है। सो नॉर्थ पोल इज़ 90 degree लैटिट्यूड एंड साउथ पोल इज़ 90 degree। तो देखिए, नॉर्थ पोल इज़ 90 degree एन लैटिट्यूड। हम लोग 90 degree एन लिख दें, इसका मतलब 90 degrees नॉर्थ, और 90 degree एस लिख दें, इसका मतलब 90 degrees साउथ। ओके, सो 90 degrees एन लैटिट्यूड इज़ नॉर्थ पोल, एंड 90 degree साउथ एस लैटिट्यूड इज़ साउथ पोल। सो हो फ्रेंड्स, आपको ये लैटिट्यूड समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स। सो फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स रन वर्टिकली। अभी हमने पढ़ा था कि देखिए, लैटिट्यूड्स, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स रन हॉरिजॉन्टली, एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड रन वर्टिकली। मैंने आपको लॉन्गिट्यूड का ही दे रखा है। देखिए, ये वर्टिकली रन कर रही है ना, वर्टिकली इस तरीके से। सो दीज आर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। हम लोग लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस भी कहते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज फाउंड इन ग्रीनविच, इंग्लैंड। देखिए, सबसे बीच की जो लैटिट्यूड होती है वो इक्वेटर, और सबसे बीच का जो होता है ना लॉन्गिट्यूड वो होता है प्राइम मेरिडियन। सो प्राइम मेरिडियन इज फाउंड इन ग्रीनविच एट इंग्लैंड। द प्राइम मेरिडियन इज़ 0 degrees लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन जो होता है वो 0 degrees लॉन्गिट्यूड होता है, और इक्वेटर भी 0 degrees लैटिट्यूड होता है। ओके, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड लोकेट प्लेसेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अभी हमने पढ़ा था कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यस, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो होती है ना, वो प्लेसेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर की नॉर्थ और साउथ प्लेसेस को लोकेट करती है, और जो लॉन्गिट्यूड होती है ना, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, दे लोकेट प्लेसेस एट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट प्लेसेस को लोकेट करती है। देयर आर 180 degrees ऑफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 180 degrees ऑफ वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कैसे होते हैं। ये जो लंबी लंबी वर्टिकली जो लाइंस जा रही हैं वो है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड यानी कि ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन रन कर रही है, दीज आर लैटिट्यूड। ठीक है, इस डायग्राम को आप अच्छे से देख ले।
देखिए अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स. द फाइव मेजर सर्कल्स ऑफ लेटिट्यूड आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड फिनिशिंग एट द साउथ पोल. ये फाइव मेजर सर्कल्स होते हैं लेटिट्यूड्स के. देखिए देयर आर फाइव इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड. दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ठीक है, वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है साउथ पोल तक. हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दे स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड फिनिश एट साउथ पोल. एंड वो कौन कौन सी होती है हम देख रहे हैं. द आर्कटिक सर्कल, आप यहाँ देखिए द आर्कटिक सर्कल, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्कटिक सर्कल. आप इसमें भी इसकी लोकेशन जो है वो लोकेट कर सकते हैं. आपको यहाँ पे इक्वेटर है, इसको आप डिवाइड कर देते हैं. सो नॉर्थ में आपके आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, और साउथ में आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल आता है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बिसाइड्स द इक्वेटर 0 degree. वेट, येस, बिसाइड्स द इक्वेटर 0 degree, द नॉर्थ पोल 90 degree एंड साउथ पोल 90 degree साउथ, देयर आर फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. देखिए इक्वेटर तो हमारा 0 degree है, उसके साथ ही नॉर्थ पोल 90 degree नॉर्थ. हम लिख देखिए नॉर्थ पोल कैसे लिखते हैं 90 degree एन, साउथ पोल को हम लिखते हैं 90 degree एस. देयर आर फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हमारे को देखिए. बिसाइड्स द इक्वेटर 0 degree द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, मीन्स इक्वेटर नॉर्थ पोल साउथ पोल को छोड़कर हमारे पास फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स होते हैं, वो जो कि होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम देखिए कौन कितने डिग्री आती है. एक तो हमारा हो गया इंपॉर्टेंट पैरेलल इक्वेटर, एंड फोर और हैं जो कि इस तरीके से हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लिखते हैं 23.5 degree नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 degree साउथ इन द सदर्न हेमिस्फेयर. आर्कटिक सर्कल एट 66.5 degree नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के 66.5 degree नॉर्थ में होता है. एंटार्कटिक सर्कल जो होता है वो 66.5 degree साउथ ऑफ द इक्वेटर में होता है. ठीक है, सो फ्रेंड्स एक मना यहाँ पे चलते हैं. सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे मैंने आपको कहा कि आर्कटिक सर्कल, ये जो हमारा इक्वेटर होता है इसके ऊपर नॉर्थ और साउथ होता है. तो नॉर्थ को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ को साउथ में हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. सो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल है, जो कि हमारे यहाँ पे दे रखा है कि हमारा जो आर्कटिक सर्कल है वो 66.5 degree नॉर्थ है इक्वेटर के, एंड एंटार्कटिक सर्कल है 66.5 degree साउथ. यहाँ पर ये एन नॉर्थ गलत दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पर इसको साउथ मार्क कर लेते हैं. यहाँ पे ये ऐसा आएगा, ठीक है, 66.5 degree एस, यानी 60.5 degree साउथ है. सो देखिए फ्रेंड्स इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 66.5 degree नॉर्थ में होगा आर्कटिक सर्कल, एंड 23.5 degree यहाँ पर नॉर्थ आएगा, यहाँ पे एस दे रखा है ना. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका 23.5 degree नॉर्थ, यानी कि आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ में है. सो यहाँ पर आपके होगा आर्कटिक सर्कल 66.5 degree नॉर्थ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degree नॉर्थ. ओके फ्रेंड्स, नाउ इक्वेटर इज ऑन 0 degree. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 degree साउथ, एंड एंटार्कटिक सर्कल 66.5 degree साउथ. ओके फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे मिस्टेक्स थी तो मैंने यहाँ पे ठीक किया. सो दीज वर द फाइव इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. आज हमने पढ़ा था फ्रेंड्स व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू फ्रेंड्स.